Hello guys, welcome to my educational channel. Today we will discuss about tungsten inert gas welding and metal inert gas welding. वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो भिन्न धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर एंड विथआउट हेल्प ऑफ प्रेशर एलोन एंड विथ और विथआउट यूज ऑफ फिलर मेटल। वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो फिक्स जॉइंट प्रोड्यूस किया जाता है दो धातुओं के मध्य। वेल्डिंग के सामान्यतः उपयोग हैं टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स बॉडीज, एयरक्राफ्ट फ्रेम्स, रेलवे वेगन्स, मशीन फ्रेम स्ट्रक्चरल वर्क्स, टैंक्स, फर्नीचर, बॉयलर्स, रिपेयर वर्क एंड शिप बिल्डिंग एट्सेट्रा। वेल्डिंग प्रोसेस को कई भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट गैस वेल्डिंग, सेकंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्ड आर्क वेल्डिंग, फोर्थ न्यूवर वेल्डिंग, फिफ्थ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग फर्दर क्लासिफाइड एज थ्री पार्ट्स, फर्स्ट ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, सेकंड एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, थर्ड ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग फर्दर क्लासिफाइड एज फोर पार्ट्स, फर्स्ट बट वेल्डिंग, सेकंड स्पॉट वेल्डिंग, थर्ड सीम वेल्डिंग, फोर्थ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग फर्दर क्लासिफाइड एज फाइव पार्ट्स, फर्स्ट कार्बन आर्क वेल्डिंग, सेकंड मेटल आर्क वेल्डिंग, थर्ड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, फोर्थ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फिफ्थ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। न्यूअर वेल्डिंग हैज फर्दर क्लासिफाइड एज टू पार्ट्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, सेकंड लेजर वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग फर्दर क्लासिफाइड एज फोर पार्ट्स, फर्स्ट फ्रिक्शन वेल्डिंग, सेकंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, थर्ड डिफ्यूजन वेल्डिंग, फोर्थ एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग को टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन टिग वेल्डिंग नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड एंड वर्कपीस के सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव इनर्ट गैस मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। इक्विपमेंट यूज इन टिग वेल्डिंग, गैस सप्लाई सिलेंडर, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स, इलेक्ट्रिक होल्डर, होज, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। Characteristics of TIG welding process. In this TIG welding, non-consumable tungsten electrode are used. A workpiece is connected to the positive terminal of DC battery and electrode is connected to the negative terminal of battery. Inert gas is used for surrounding to the workpiece for providing inert medium. Direct current state polarity is used for aluminium and magnesium workpiece. Direct current reverse polarity is used in TIG welding. Welds can be made with or without filler metal, produce very high quality superior welds. Advantage and limitation of TIG welding. Advantage: no flux is used. Welding is smooth and no sputter problem, very suitable for high quality welding, very good process for welding non-ferrous metals and stainless steels, surface finish is good, equipment is portable. Limitation of TIG welding: tungsten electrode is hard and brittle, equipment costs are high. In steel welding operation, TIG is slower and most costly. MIG वेल्डिंग को मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन MIG वेल्डिंग प्रोसेस कंज्यूमेबल बेयर इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड, स्पूल वायर नाउन एज ए बेयर इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड मीन्स नो एनी टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग ऑन इट। इन MIG वेल्डिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज बेयर इलेक्ट्रोड इज यूज एज ए इलेक्ट्रोड। इन दिस प्रोसेस workpiece is made to be connected to the negative terminal of DC battery and bare electrode is connected to the positive terminal of battery and the arc is produced between them. The metals is fused and they welds. A constant voltage DC source is used for high penetration. DC direct current straight reverse polarity is used for high penetration in MIG welding. Argon gas is used as a shielding gas. DCSP is not used in MIG due to sputter problem. Advantage and limitation of MIG welding. Advantage: large metal deposition rate, produce joint with deep penetration, mainly used for aluminium and stainless steel, no slack to chip off, process can be easily mechanized.
faster as compared to TIG welding. Disadvantage: welding equipment is much more complex, more costly, less portable. MIG welding do not work in outdoor welding application. Application of arc welding. Application of TIG welding. TIG welding is mainly used to welding aluminium, magnesium, copper, nickel and their alloys. Precision welding in atomic energy, aircraft, chemical industries, rocket motor chamber fabrication in launch vehicles, welding thinner section like sheet metal. Application of MIG welding for manufacturers of refrigerator parts, for welding tools, steel and dies, also used for welding of carbon, silicon and low alloy steel in automobile industry.